हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शर्मिष्ठा। आज मैं आपके साथ एक सिंपल बंगाली फिश करी की रेसिपी शेयर करूंगी और इसका नाम है पारशी फिश करी। पारशी फिश बहुत ही टेस्टी होता है और बंगाल में बहुत ही पॉपुलर है और इस फिश में बोन्स बहुत ही कम रहता है, तो बच्चों को भी आप आसानी से सर्व कर सकते हैं। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसे कभी भी घर पे बना सकते हैं और गरम गरम चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। ये जो डिश है ये चावल के साथ ही अच्छा लगता है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 6 पारशी फिश लिया है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून ब्लैक मस्टर्ड सीड्स एंड 1 टेबलस्पून येलो मस्टर्ड सीड्स एंड 1 टेबलस्पून खसखस यानी पॉपी सीड्स। कालुंजी लिया है 1 टीस्पून, हरी मिर्च लिया है 4 और फ्रेशली चॉप्ड धनिया पत्ता लिया है। इसके साथ ही लगेगा लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार। और ये डिश मैं बनाऊंगी राई के तेल यानी मस्टर्ड ऑयल में। सबसे पहले फिश को मैरिनेट करना है, तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर और नमक। हल्दी और नमक से फिश को अच्छे से कोट कर लूंगी। अब मैं फिश को 10-15 मिनट के लिए साइड में रख दूंगी। तब तक मैं एक पेस्ट बना लूंगी। उसके लिए मैं मस्टर्ड सीड्स और पॉपी सीड्स को आधा घंटा पहले से ही पानी में भिगो के रखा था। अब इसका पानी निकाल के मैं इसे मिक्सिंग जार में ले लूंगी। इसमें ऐड कर दूंगी नमक। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसका एक पेस्ट बना लूंगी। ये देखिए, पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है। 15 मिनट बाद मैं कढ़ाई पे तेल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें फिश को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। एक साइड फ्राई होने के बाद मैं इसे पलट दूंगी ताकि दूसरी साइड भी फ्राई हो जाए। फिश के दोनों साइड्स फ्राई होने के बाद मैं इसे बाहर निकाल लिया है। आई एम सॉरी कि उस टाइम पे मेरा कैमरा ऑन नहीं था, तो मैं उसका वीडियो मैं नहीं ले पाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब उस सेम ऑयल पे मैं ऐड कर दूंगी कालोंजी और ग्रीन चिलीज। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी। अब इसे तेल में अच्छे से फ्राई करना है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाला जले ना। ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, 1 से 1.5 मिनट काफी है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी का यूज किया है। आप अपने हिसाब से पानी का क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं फ्राई किया हुआ फिश को ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे ढक के इसमें उबाल आने का वेट करूंगी। 2-3 मिनट बाद इसमें उबाल आ गया है, तो अब मैं इसमें जो मस्टर्ड और पॉपी सीड्स का पेस्ट मैंने रेडी किया था वो ऐड कर दूंगी। मस्टर्ड के पेस्ट को हमेशा लास्ट में ऐड कीजिए, इससे ये ग्रेवी कड़वा नहीं होगा। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे और 3-4 मिनट के लिए मैं पका लूंगी। 4 मिनट बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी ग्रीन चिली और अब इसे ढक के और 2-3 मिनट के लिए पका लूंगी ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ जाए। 5 मिनट बाद ये देखिए, ये डिश ऑलमोस्ट रेडी है। लास्टली मैं इसमें फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर ऐड कर दूंगी और इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो बस पारशी फिश करी रेडी है, अब मैं इसे सर्व कर दूंगी। तो देखा आपने कितनी जल्दी एक टेस्टी डिश बन के रेडी हो गया। इसे आप गरम गरम चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये बनाना एकदम सिंपल है, आप इसे कभी भी ट्राई कर सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।